हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रमक के बारे में, अर्थात एजेंट क्या है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग को अभिक्रमक जानना पड़ेगा कि रिएजेंट क्या है या फिर एजेंट क्या है। तो सबसे पहले लिखिए अभिक्रमक, लिखिए अभिक्रमक अर्थात इसी को कहते हैं रिएजेंट, इसी को क्या कहते हैं रिएजेंट, अभिक्रमक। ठीक, अब जानिए फिर अभिक्रमक क्या है। दैट सबस्टांस विच डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द रिएजेंट, यानी कि एक वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में बताता है तो वही रिएजेंट कहलाता है, अर्थात अभिक्रमक कहलाता है। कि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है, अभिक्रिया कैसा है, अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें पदार्थ की, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, वही रिएजेंट कहलाता है। अर्थात रिएजेंट एक प्रकार का पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अभिक्रमक क्या है। ठीक, लिखिए अभिक्रमक लिखिए वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में बताता है, तो उसे अभिक्रमक कहते हैं, अभिक्रमक कहते हैं। लिखेगा अभिक्रमक दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एरो देके लिखिए अभिक्रमक, यह टैग लगा दीजिए, अभिक्रमक दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला जो होता है वह होता है ऑक्सीकारक, इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, दूसरा जो होता है वह अवकारक होता है, इधर लिख देते हैं कि इसका परिभाषा भी लिखा जाएगा। दूसरा होता है अवकारक, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी अभिक्रमक में कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, पहला ऑक्सीकारक और दूसरा अवकारक। अब जानिए कि ऑक्सीकारक क्या, अब लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीकारक। अब देखिए ऑक्सीकारक एक वैसा पदार्थ जिनसे ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है तो वह ऑक्सीकारक कहलाता है। लिखिए एक वैसा पदार्थ जिनसे ऑक्सीजन का वियोग होता है, एवं हाइड्रोजन का संयोग होता है, संयोग होता है तो उसे
तो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते। इसका कई जो बात है वो सावधानी से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा लिखिए, ऑक्सीकारक अपने ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है। ऑक्सीकारक अपने ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है। ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है। ठीक, ऑक्सीकारक अपने ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है। अपने ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता। दूसरा लिखिए, ऑक्सीकारक में अवकरण की क्रिया होती है। अवकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकारक में कौन क्रिया होती है? तो अवकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकारक में क्या होती है? अवकरण की क्रिया होती है। यही ऑक्सीकारक का मेन रहा। अब समझिए कि अभिक्रमक एजेंट किसे कहते हैं? द सबस्टांस विच डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एजेंट। अर्थात एक वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में बताता है वही अभिक्रमक कहलाता है। देर आर द टू टाइप ऑफ द रिएजेंट, वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अनदर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। पहला जो ऑक्सीकारक है, दूसरा अवकारक है। अब समझेंगे कि ऑक्सीकारक क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द एजेंट which oxidation number is decreased, that is called as the oxidizing agent। यानी कि एक वैसा अभिक्रमक जिसका ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर द सबस्टांस which lost the oxygen and added the hydrogen, that is called as the oxidizing agent। एक वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन का त्याग करता है, हाइड्रोजन से संयोग करता है, वही कहलाता है ऑक्सीकारक कहलाता है। अब पूछिएगा कि सर जी एक एग्जांपल बता तो सकते हैं इस पर कि आप कैसे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानिएगा और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट मानिएगा। तो सबसे पहले ये तीन वो मेन रहा मेरा ये फॉर्मूला, पहले इन दोनों के डिफिनीशन हम पढ़ लेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है और अवकारक कौन है। तो इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, परिभाषा भी रहेगा, फिर अवकारक का लिखा देंगे, तब उसके बाद हम क्या करेंगे बिल्कुल डिफाइन कर देंगे कि ऑक्सीकारक कौन है और अवकारक कौन है। ठीक, तो सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, नोट कर ली होइएगा। ठीक, अब लिखिए अवकारक के लिए। अवकारक के लिए हमको स्पेस चाहिए इसीलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, और यह भी मिटा दीजिए। अभी क्रमक जो हमको काम वाला चीज है वही हम रखेंगे। अब लिखिए ऑक्सीकारक के बाद लिखिए अब अवकारक। दूसरा अवकारक लिखिए, वैसा पदार्थ जिनसे ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है तो उसे अवकारक कहते हैं। एरो दे के लिख दीजिएगा, अवकारक अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है। ऑक्सीकरण संख्या को
बढ़ाता है। अव कारक अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है। दूसरा लिखिएगा अव कारक में ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक, अवकारक में कौन क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण। अब देखिए एक एग्जांपल, अब एक एग्जांपल कर रहे हैं ZnO प्लस C साइन ऑफ गिव्स आ रहा है ZN प्लस CO क्या आ रहा है CO। अब सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या हम निकालने का मेथड बताए थे कि ना बताए थे, या फिर कोई मेथड से देखिए। ऑक्सीकारक वैसा पदार्थ जिनसे ऑक्सीजन का क्या होता है वियोग होता है, जिनसे ऑक्सीजन का वियोग। अब ZnO देखिए ऑक्सीजन को त्याग कर ZN में चला गया, चला गया कि ना चला गया, तो यह ZnO जो होगा यह ऑक्सीकारक होगा, क्या होगा ऑक्सीकारक कारक। सीधा सिंपल, वैसा पदार्थ जिनसे ऑक्सीजन का वियोग होता है तो ZnO से ऑक्सीजन क्या हो गया त्याग हो गया, अर्थात यह शुद्ध ZnO में चला गया, तो यह क्या हो गया ZnO एक प्रकार का ऑक्सीकारक हो गया। इतना समझिएगा। अब क्या कहता, अब देखिए अवकारक में वैसा पदार्थ जिनसे ऑक्सीजन का योग होता है अर्थात ऑक्सीजन जुटता है तो वह क्या कहलाता है अवकारक। तो यहाँ पे यह जो होगा यह क्या होगा अवकारक होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यह अवकारक होगा अवकारक। पहला मेथड से तो बिल्कुल क्लियर है कि जिनसे ऑक्सीजन का संयोग होगा अवकारक, ऑक्सीजन का वियोग होगा ऑक्सीकारक। तो ZnO से ऑक्सीजन वियोग होगा इसीलिए ऑक्सीकारक, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुट गया इसीलिए अवकारक। अब सेकेंड मेथड एकदम आपको दिमाग नहीं क्या करेगा चला जाएगा। अब हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या पर। अब देखिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण जो चार्ज होता है यह -2 होता है अर्थात ऑक्सीडेशन संख्या। तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। अब इसमें निकालते हैं हम लोग, देखिए अब देखिए जिंक का हमको कह रहा है ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें, तो बढ़ाए थे ऑक्सीकरण संख्या की जिस पदार्थ का या जिस वस्तु का या फिर जिस तत्व का हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे ZN को मान रहे हैं क्या एक्स, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो एक्स -2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 प्लस 2, तो एक्स जो बराबर होगा कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जिन के ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला +2। और मुक्त अवस्था में किसी तत्व का किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या 0, जिंक अकेले है ZN तो मुक्त अवस्था में क्या हो गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो इतना समझ गया कार्बन मुक्त अवस्था में क्या था 0, यहाँ पे कार्बन का निकालिए, यहाँ पे क्या किसका निकालिए कार्बन का, तो x ऑक्सीजन के -2 बराबर 0, तो x बराबर 0 और +2, तो x बराबर कितना हो गया +2, कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया +2 निकल गया, कितना निकला आप देखिए तो x माइनस इसको x मान x -2 बराबर 0, x बराबर 0 +2, तो x बराबर कितना हो गया +2। अब देखिए कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है वह रासायनिक जो अभिक्रिया क्या कहलाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या घटता है वह अवकरण। तो इसका जिंक का ऑक्सीकरण 2 से कितना पर गया 0 पर, तो यहाँ पे अवकरण की क्रिया हुई, पीछे के वीडियो में सब पढ़ाए हैं अवकरण, और 0 से 2 पर गया ऑक्सीकरण यानी कि धनिक हुआ है ऑक्सीकरण। अब देखिए तो जिस अभिक्रिया में अवकरण होगा वह ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि यहाँ पे यह रूल देखिए कि ऑक्सीकारक अपने ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है, जिंक 2 था कत्ता पर गया 0 पर, तो ZnO क्या होगा ऑक्सीकारक होगा। दूसरा से भी समझे, तीसरा क्या कह रहा, ऑक्सीकारक में अवकरण की क्रिया होती है, ZnO में कौन क्रिया हो रही है अवकरण हो रही है, तो यह ZN जो होगा अवकारक होगा, क्या होगा अवकारक होगा, कोई दिक्कत है सॉरी ऑक्सीकारक होगा,
ज़ेडन ओ क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। अब समझिए कि यह अवकारक क्या हुआ, सब पदार्थ जिनसे ऑक्सीजन का योग तो जान गए थे, और अवकारक होता है अपने 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 ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है, क्या करता है बढ़ाता है। कार्बन 2 था, 0 था फ्री स्टेट में, चला गया कार्बन कितना पर, 2 पर, तो कार्बन अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाया है, अर्थात यहाँ पे यह जो कार्बन जो है, यह जो कार्बन है, यह कार्बन एक प्रकार का क्या है, अवकारक है। क्या है, अवकारक है। कार्बन क्या है, अवकारक है। दूसरा कि अवकारक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण क्रिया होती है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है अवकारक में, अर्थात यह क्या, अवकारक है, अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता भी है, 0 से 2 पर गया, अर्थात यह क्या हो गया, अवकारक। तो क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होगा वह ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होगा वह अवकारक कहलाएगा। परिभाषा दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीकारक में ऑक्सीजो कारक होता है उसमें अवकरण की क्रिया होती है, और अवकारक में जो होता है वह ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकारक अपने ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है, और अवकारक अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है। तो सब हम लोग के ZN 2 पर था, कितना पर गया, 0 पर, ऑक्सीकरण संख्या घट गया, तो ZN वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ऑक्सीकारक। कार्बन मुक्त अवस्था में 0 पर था, कितना ऑक्सीकरण संख्या गया, 2 पर, अर्थात जो अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा ले वह अवकारक, अर्थात कार्बन अपन ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा लिया, तो कार्बन क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। तो यह तो नोट कर लिए हुए, ठीक है, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब इस अभिक्रिया को हम पूरा हम वर्ड में लिख देते हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे वाला तो नोट कर लिए हुएगा, ठीक, पहले नोट तो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इस अभिक्रिया को पूरी तरह हम क्या कर रहे हैं, शब्दों में लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसको क्या करें, मिटा के फिर समझा के फिर क्या कर देते, शब्दों में लिख देते हैं, ठीक। अब इतना हम क्या कर दे, मिटा दिए, अब लिखिए पहले, यही ना था एग्जांपल, ZnO प्लस सी साइन ऑफ गिव्स ZN प्लस सी ओ, यहाँ पे सबके ऑक्सीकरण जिसका निकालना उसको एक्स, ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है, पहले के लेक्चर में सब पढ़ा दिए हैं, एच माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 प्लस 2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ पे जिंक मुक्त अवस्था में 0, यहाँ पे फिर कार्बन को एक्स, एक्स माइनस 2 बराबर फिर 0 होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2, तो एक्स बराबर जो हो जाएगा प्लस 2। ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, यह लेक्चर ले लिया पहले इंग्लिश मीडियम में, तो वह देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो अपने ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर देता है, बढ़ा लेता है, तो कार्बन मुक्त अवस्था में 0 था, 0 से कितना पर गया है, 2 पर, अर्थात जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यह जो अभिक्रिया हुआ यह ऑक्सीकरण, लेकिन यह जो पदार्थ है कार्बन, यह एक प्रकार का अवकारक होगा, क्या होगा, अवकारक होगा। अब 2 से कितना पर गया, 0 पर, तो इसमें कौन अभिक्रिया हुआ, अवकरण अभिक्रिया हुआ, ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, ठीक है, दोनों रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ा दिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या और अवकरण अभिक्रिया क्या। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कहता है कि किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग ही ऑक्सीकरण कहलाता है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब लेकिन ऑक्सीकारक कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑक्सीकारक में क्या होता है कि किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग होता है, कारक अलग है और करण अलग है,
यह जो ऑक्सीकरण है इसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होगा अर्थात कॉम्बिनेशन होगा, कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, और किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग हुआ जो कहलाता अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है अवकरण। लेकिन एजेंट में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ऑक्सीकारक में जो होता है ऑक्सीजन वियोग होता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकारक जो बराबर लिख दीजिएगा ऑक्सीकारक बराबर होता है अवकरण, क्या होता है अवकरण, यानी घोड़ा में लिखा हुआ अवकरण बराबर होता है ऑक्सीकरण, अवकरण बराबर होता है ऑक्सीकरण, अवकारक बराबर, अवकारक बराबर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक बराबर अवकरण, यह दोनों बात होता है, ठीक है। अब देख लीजिए तो यह तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पहले के लेक्चर पढ़ ली होइएगा तो कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इस अभिक्रिया को शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जब ZnO की प्रतिक्रिया कार्बन के साथ कराई जाती है, ठीक, पहले लिखिए यहाँ पे, लिखिए जब ZnO की प्रतिक्रिया, जब ZnO की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कार्बन के साथ, सीधा लिख देते C, अर्थात इसको समझ जाइएगा कार्बन, कार्बन के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, तब ZnO से ऑक्सीजन का त्याग होता है, ZnO से ऑक्सीजन का त्याग होता है तथा कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है, तथा कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग होता। इस अभिक्रिया में ZnO एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया में ZnO एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है तथा कार्बन एक अवकारक है, एक अवकारक है। यहाँ इसको ऐसे कर दीजिएगा ताकि कार्बन सूझ जाए, यह सी लिखा है कार्बन, कार्बन एक अवकारक है क्योंकि अवकारक है क्योंकि ZnO से ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, ऑक्सीजन का वियोग हुआ है या करके अपना ऑक्सीकरण संख्या घटा लेता है, अपना ऑक्सीकरण संख्या घटा लेता है, घटा लेता है, एवं कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, संयोग हुआ है, हुआ है, एवं अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा लेता है, अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा लेता है। पूरा स्पष्ट हम लिख दिए हैं, ठीक है। जब ZnO की प्रतिक्रिया कार्बन के साथ कराई जाती है तब ZnO से ऑक्सीजन का त्याग होता है, ZnO से क्या हुआ ऑक्सीजन त्याग हो गया, ZnO से ऑक्सीजन का त्याग होता है तथा तब कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है, और ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना,
इस अभिक्रिया में जेडनो एक ऑक्सी कारक है। जेडनो क्या ऑक्सी कारक है तथा कार्बन एक प्रकार का अवकारक है, क्योंकि जेडनो से ऑक्सीजन का वियोग हुआ है। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होगा ऑक्सी कारक कहलाएगा। तो जेडनो से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, वियोग हुआ है। और यह अपना या अपना ऑक्सीकरण संख्या घटा लेता है, या जो अपना ऑक्सीकरण संख्या घटा ले वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो दो से कतना पर गया जीरो पर, तो क्या होगा ऑक्सीकारक होगा। तो एवं कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हुआ, और कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग, तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग हुआ अवकारक कहलाएगा। तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ है या फिर अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा लेता है। कई शब्दों में इसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि सर जो लिखा है वही लिखेंगे। यहाँ पे अगला स्टेटमेंट आप बदल कर भी लिख सकते हैं कि ZnO पर अवकरण अभिक्रिया हो रहा है, और जिस पदार्थ पर अवकरण अभिक्रिया होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, और कार्बन पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, और जिस पदार्थ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा वह अवकारक होगा। यानी कि शब्दों के मायने कुछ भी बोल सकते हैं, यह नहीं कि जो सर लिखा वही लिखेंगे। आप अपना कॉन्सेप्ट से आप अपना दिमाग लगाकर भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी भी आंसर को, या नहीं कि हम जो लिखा है वो पूरा आप रिटेन कर दीजिएगा। इतना कहते हैं हम गाइडलाइन को देते हैं कि इस आधार पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारी भाषा को छोड़कर आप अपनी भाषा में भी शब्दों में क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में यह नहीं कहा जाता है कि पूरा जो आप टीचर पढ़ाए उन शब्दों को लेके आप अपने शब्दों में जवाब दें, जो आपको आ रहा है उन शब्दों में आप किसी भी आंसर को बढ़िया से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पूरा आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होगा ऑक्सीकारक कहलाएगा, ZnO से ऑक्सीजन का वियोग होगा अर्थात यह एक ऑक्सीकारक है, कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हुआ या क्या कहलाता है अवकारक, या फिर ZnO अपना ऑक्सीकरण संख्या घटा लेता दो से कितना गया जीरो पर, तो जो पदार्थ अपना ऑक्सीकरण संख्या घटा लेता वह अवकारक, ZnO एक अवकारक है, कार्बन एक प्रकार का सॉरी यह ऑक्सीकारक है, जो पदार्थ अपना ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, और कार्बन अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है जीरो से दो पर गया, इसीलिए यह क्या है एक प्रकार का अवकारक है। तो इसको सबसे पहले क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिएगा। अब पढ़ाएंगे एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, वह है H2S का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए H2S, ठीक है, H2S प्लस O2, अब S प्लस H2, ठीक है, 2H2O बनता है, यहाँ पे कर दीजिएगा 2, तो यहाँ पे 2S अब प्लस 2H2O। अब इसमें आपको अपने बता देना है कि ऑक्सीकारक कौन होगा और अवकारक कौन होगा। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिस पदार्थ से क्या किसका संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है अवकारक, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। अब देखिए H2S है और यहाँ सल्फर है, तो यहाँ पर देखिए इसका सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यानी कि 4 और प्लस 2x बराबर 0, ठीक है, तो 2x बराबर माइनस 4, तो x बराबर माइनस 2, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या माइनस 2, यहाँ पे क्या है जीरो, यहाँ ऑक्सीजन के मुक्त अवस्था में जीरो है, कितना है जीरो, इस ऑक्सीजन से नहीं लेना, हाइड्रोजन से लेना है, यहाँ पर इसका कितना है प्लस 1 है, और यहाँ पर जो हो जाता है देखिए यहाँ भी प्लस 1 होगा, यहाँ पे 4x माइनस यहाँ पर जीरो है, 4x माइनस 2, ठीक है, तो 4x माइनस 4 होगा, ठीक। अब कहिए कैसे सब बता रहा है, 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर प्लस 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस 1, यहाँ पे इसका माइनस 2। अब देखिए ऑक्सीजन का जो मुक्त अवस्था में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या 0, ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट है मॉलिक्यूल्स है, अर्थात यह क्या है जीरो होगा ऑक्सीकरण संख्या, इसका कितना है माइनस 2 है, तो जीरो से कितना पर गया माइनस 2 पर। अब हाइड्रोजन में देखिए H2S है और यहाँ पे क्या है H2O है, तो जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का क्या होगा वियोग होगा वह क्या कहलाएगा अवकारक कहलाएगा, अर्थात यहाँ पे देखिए यह जो H2S है और यहाँ पे कितना पर गया यहाँ पर गया, तो कौन अभिक्रिया होगा H2S से कितना पर गया जीरो पर, और यह जो देखिए इसमें ई छोड़िए यहाँ सल्फर के देखिए जीरो से कितना पर गया माइनस 2 पर गया,
अर्थात जीरो से माइनस दो गया तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण। और यहाँ पे देखिए जीरो से कितना पर गया, हाँ अब देखिए जीरो से माइनस दो पर तो यह क्या कहलाएगा अवकारक, क्या कहलाएगा अवकरण, अवकरण अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बताना है कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अवकारक है। तो सल्फर एक प्रकार का जो होगा, सल्फर एक प्रकार का जो होगा अवकारक होगा, क्या होगा अवकारक, कहिएगा सर कैसे, क्योंकि अवकारक हाइड्रोजन का त्याग करता है और H2S में सल्फर जो हाइड्रोजन का त्याग किया, किया कि ना किया, तो सल्फर एक प्रकार का क्या होगा अवकारक होगा, सल्फर अवकारक। और ऑक्सीजन जो एक प्रकार का ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीजन क्या होगा एक प्रकार का ऑक्सीकारक, क्योंकि यह हाइड्रोजन को साथ में लाया है, तो यह जो ऑक्सीजन है एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। और स्पष्ट बात है कि जो जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का संयोग हुआ, हुआ कि ना हुआ, इसीलिए यह ऑक्सीजन जो होगा वह एक प्रकार का ऑक्सीकारक होगा। और यहाँ पे जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग हो जाए और ऑक्सीजन का संयोग हो जाए अवकारक, अभी डिफिनिशन पढ़ाए थे, तो यह क्या होगा अवकारक कौन होगा सल्फर। इसमें एजेंट पूछता है, अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया तो वह सेम है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए ऑक्सीकरण कहलाएगा और जिसका ऑक्सीकरण संख्या घट जाए क्या कहलाएगा अवकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे माइनस दो से कितना पड़ गया जीरो पर, तो ऑक्सीकरण, जीरो से कितना पड़ गया माइनस दो पर, तो अवकरण। अभिक्रिया स्पष्ट है और इसमें उल्टा चलता है कि जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा अवकारक, जिसमें अवकरण अभिक्रिया होगा वह ऑक्सीकारक होगा। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम लिख सकते, देखिए इसको तो क्या कर सकते, ऐसा ही रख सकते हैं और इसको बहुत छोटा शब्दों में हम लिखो लिखना पड़ेगा। ठीक, अर्थात देखिए यहां पे लिख दीजिएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब इसको क्या कर देते हैं, हम घेर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट बात सूझ सके। अब देखिए H2S की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, यहाँ पे आप ऑक्सीजन से कराने पर H2S से हाइड्रोजन का वियोग होता है, क्या होता है वियोग होता है इस प्रकार H2S एक अवकारक है एवं इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है एवं O2 से हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, O2 से हाइड्रोजन का संयोग हुआ है एवं इस पर अवकरण अभिक्रिया संपादित होता है, अवकरण अभिक्रिया संपादित होता है इस प्रकार O2 एक ऑक्सीकारक है, क्या है O2 एक ऑक्सीकारक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो जाए तुरंत कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया। बिल्कुल हम क्या करेंगे, समझाएंगे, पूरा तरह समझाएंगे। एक बार इसको समझ लीजिए कि H2S और O2 में देखिए, तो H2S जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है अवकारक। क्या कहलाता है, अवकारक। और जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पीछे के लेक्चर में पढ़ा दिया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो H2S से हाइड्रोजन का वियोग होता है, अर्थात यह जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन यह जो पदार्थ होगा H2S एक प्रकार का अवकारक हुआ, क्योंकि अवकारक में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो H2S क्या आ गया, एक अवकारक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग ही अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का संयोग हुआ था या अवकरण अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे O2 जो है एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकारक में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए यह जो O2 होगा एक प्रकार का ऑक्सीकारक होगा। ठीक, क्लियर। तो H2S की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर H2S हाइड्रोजन का वियोग होता है, इस प्रकार H2S एक प्रकार का अवकारक है। क्या है, अवकारक है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, अवकारक। एवं इस प्रकार एवं इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक कहलाएगा। एवं O2 से हाइड्रोजन का संयोग होता है, इस प्रकार एवं इस पर अवकरण अभिक्रिया संपादित है, इस प्रकार O2 एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। बिल्कुल क्लियर हो गए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।